हाय गाइस, इस वीडियो में हम सैम्पलिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. ओके, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो टाइप का सैम्पलिंग टेक्निक है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं, देखिए आपने लिखा है रैंडम सैम्पल्स, मतलब यहाँ पे ना कि जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे सबको, मतलब सबको इक्वल चांस है, मतलब कोई भी सिलेक्ट होगा. मतलब आप सोचिए सैम्पल में कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया है या फिर कुछ सैम्पल्स को कलेक्ट किया है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे ना, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी है. ओके, लेकिन दूसरा वाला जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई इक्वल प्रोबेबिलिटी है. ओके, तो पहले हम लोग चलिए देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल्स कितने तरह के होते हैं. तो पहला वाला देखिए, सिंपल रैंडम सैंपल. ओके, इसमें जस्ट सैंपल्स होते हैं बहुत सारे. अब आप किसी को भी सिलेक्ट करें तो आपको क्या पता, आप 10-12 लेके रखें, आप तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, उसे सिंपल रैंडम सैंपल कहते हैं. रैंडम है मतलब कोई आपने ना कुछ ऐसा नहीं कि स्ट्रेटिफिकेशन करके रखा या कुछ लोगों को चुना है, कुछ भी नहीं ऐसा. अब है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल. ये भी देखो, इसमें भी मतलब बात है ना कि प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब कि सबको भी इक्वली चांस होगा, आपको इक्वल चांस मिलेगा कि मतलब इसको सिलेक्ट करें, इक्वल चांसेस है. लेकिन ये बात है ना कि स्ट्रेटा बनाया हुआ है. स्ट्रेटिफिकेशन मतलब इसमें क्या होता है ना, जो पॉपुलेशन हमने लिया है ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं. जैसे किसी को हम लोग उस पॉपुलेशन में एज ग्रुप के बेसिस पे बांट दिया, और फिर किसी को किसी और बेसिस पे, जैसे जॉब्स के बेसिस पे बांट दिया, फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं. तो मतलब एक स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, एकदम रैंडम नहीं होता है. ओके, फिर हमारा एक तरह होता है, वो है सिस्टमिक सैम्पल, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ओके, ये वाला देखिए इस बुक में नहीं दिया हुआ है. ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए पॉपुलेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं और फिर हम लोग सैम्पलिंग इंटरवल निकालते हैं. ओके, इसके अलावा हमारा होता है क्लस्टर सैम्पल. ओके, ये एरिया वाइज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें एरिया वाइज होता है. ओके, मतलब कुछ इस एरिया से लेंगे, कुछ इस एरिया से लेंगे. ओके, एरिया वाइज है, पर फिर भी प्रोबेबिलिटी तो सेम है, मतलब किसको चुनेंगे ये आपको श्योर नहीं होता है. ओके, अब हमारा आ गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, तो इसमें हमने जैसे बताया ही था, इसमें एक प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं होता, उसमें तो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, पर इसमें आपको क्या होगा ना, इसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. जैसे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नाम से आपको पता चल रहा है कि जो कन्वीनियंट है, मतलब अब सोचिए हम रिसर्च कर रहे हैं अपने, मतलब कहीं भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं आप रिसर्च, सोचिए तो आप कहीं और जा रहे, सोचा कि वहीं पर कोई सैम्पल ढूंढ लेंगे, सैम्पल्स को वहीं से ले लेंगे, तो ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से है. दूसरा है, तो फिर कन्वीनियंस के हिसाब से, तो फिर ऐसा तो नहीं कहीं और से भी आ जाएगा सैम्पल, वहीं से लेंगे आप. फिर है जजमेंट या पर्पोजिव सैम्पलिंग. इसमें क्या होता है ना कि हमको पहले से आइडिया, फिर हम लोग अपने सीनियर्स से या कहीं से आइडिया ले लेते हैं कि अच्छा यहाँ से सैंपल लेना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ करके हम लोग जज कर लेते हैं पहले से. ओके, फिर हमारा है कोटा सैम्पलिंग. ओके, कोटा सैम्पलिंग जैसे आपने सुना है कि जैसे कोटा लगा होता है ना, सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम होता है, उसमें भी कोटा लगा होता है, उस तरह का ही होता है कि कुछ परसेंट यहाँ से सैंपल लेंगे, कुछ परसेंट यहाँ से सैंपल लेंगे. जैसे हमारे SC ST OBC जनरल में कोटा होता है, उस तरह का ये कुछ है. ओके, कि मतलब थोड़ा इस कैटेगरी की पॉपुलेशन से लेंगे सैंपल, थोड़ा यहाँ से लेंगे, कोटा सैम्पलिंग. आप देखिए नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है सारा ही. एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, अगेन नाम कितना है, देखिए एक्सीडेंट क्या होता है, अचानक से हो जाता है. ओके, तो वो उस तरह का होता है, मतलब हम लोग को पता नहीं था हम लोग कहाँ से लेने वाले हैं, अचानक से हमने ले लिया सैंपल, वो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है. ठीक है, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब देखिए, एक स्नोबॉल सोचिए, जब अब टूटता है तो वो कितने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो इसमें क्या होता है ना, चेन टाइप का एक तरह से फॉर्म होता है. मतलब हमने एक से सैंपल लिया, फिर वो और में चलेगा. आप देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं, इन दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग द इन्फॉर्मेशन मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम फ्यू इंडिविजुअल्स एंड दे मे आइडेंटिफाई अदर पीपल फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. मतलब हमने किसी को चूज किया, उसने किसी और को चूज किया, तो एक नेटवर्किंग हो जाती है. ओके, तो ये था हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो ये हमारे थे दो तरह के सैम्पलिंग, जो है हमारे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी. थैंक यू.